और ये है आज सुबह का नज़ारा। रात को फिर से बर्फ़ पड़ गई है और अभी हल्की हल्की ना बारिश हो रही है, तो मेल्ट तो जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी स्नो पड़ी है रात में। लुक एवरीवेयर, तार दिखाई दे रहे हैं, तार के ऊपर जमी पड़ी है। कितनी प्यारी लग रही है जो तार के ऊपर है ना, जिसके ऊपर कपड़े फैलाते हैं, और जितने भी तार हैं सारे वाइट हो रखे हैं और बिल्कुल आइसिकल्स बन रही हैं उसके ऊपर। और लाइट्स जो है ना गार्डन वाली, उनके ऊपर भी देखो, सो क्यूट। ठंडा बहुत है भाई, बहुत ठंडा है। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बहुत फ्रीजिंग वेदर है, रात अच्छी खासी स्नो पड़ी। जिस टाइम हम सुबह उठे तो चारों तरफ कवर था, मैंने आपको दिखाया ही सुबह का व्यू। और उसके बाद से अब तक जो है वो स्नो फ्लरीज लाइक बहुत वेट वाली हैं, तो उससे क्या है बाहर बहुत बुरी हालत हो गई, इतनी ज़्यादा फिसलन है ना, ओ माय गॉड। और आज बल्कि हमारा ना बिन का भी नंबर था बाहर, लाइक बिन कलेक्ट होता है एवरी वीक, और डिफरेंट डिफरेंट, कभी ब्राउन बिन, कभी ब्लैक बिन और ब्लू बिन, तो वो रिसाइकलिंग के पर्पज़ से। तो आज उसका भी नंबर था कलेक्शन का, लेकिन क्योंकि पूरा हिली एरिया है तो ट्रक्स वगैरह जो है वो आज नहीं आ रहे हैं, तो हालत बड़ी अजीब सी है। और ठंड की तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा ठंड है। अच्छा, मैंने उस दिन वीडियो अपलोड करी थी, ये वाला स्वेटर मैंने पहना हुआ था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कहाँ से लिया। तो ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से होगा 7 साल पुराना तो होगा ही होगा, शायद अदवी 1 साल की थी। और हम लोग गए थे सिटी सेंटर, मैंने क्रिसमस के टाइम पे जो सेल लगती है ना, तो शायद वहाँ से लिया था। और ये आई थिंक न्यू लुक का है, और इसका प्राइस कुछ ऐसा था मेरे ख्याल से 11 पाउंड 1100 कुछ ऐसा, बट वो तब की बात है और तब भी सेल में था। आई डोंट नो ये अभी अवेलेबल है नहीं है, लिंक तो मेरे पास है नहीं क्योंकि ये स्टोर से ही खरीदा था। ओके, चलिए, तो फिलहाल मैंने वेदर अपडेट आपको दे दिया, स्वेटर अपडेट आप लोगों को दे दिया, और अदवी की चल रही है नीचे क्लास में, भी आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी। और मैं चलती हूँ नीचे, डिनर बनाना, नो लंच बनाना शुरू करती हूँ, नॉट डिनर, डिनर को बहुत टाइम है, अभी जो है वो 1 बजने वाला है, तो लंच का टाइम है। और सुबह से फिर कुछ और रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत बिजी बिजी था, काफ़ी सारा काम था आज। वीडियो का काम मैंने पहले ही निपटा दिया, एडिटिंग वगैरह का, और नीचे की क्लीनिंग भी सारी डन कर दी है, थोड़ा अदवी का भी काम था, तो काफ़ी कुछ था, तो इसलिए बीच का कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया। अभी चलते हैं लंच बनाते हैं, और लंच में बनने वाला है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल। चलो बनाते हैं। Thank you.
यहाँ पे ना मैंने लगभग 1.5 कप के करीब बेसन लिया है और उसमें 1 कप के करीब पानी डाल के ना उसका इस तरह का थिक बैटर बना के तैयार कर लिया है। बस आप कंसिस्टेंसी देख ले, और ऐसा नहीं है कि बेसन का इतना ही मेजरमेंट लेना है और पानी भी आपको इतना ही डालना है। हर बेसन अलग होता है, वो मोटा पिसा है, बारीक पिसा है, तो वो डिपेंड करता है। बस आप फाइनल कंसिस्टेंसी देख लें कि आपको इस तरह का थिक बैटर बनाना है। बाद में हमें इसको थोड़ा सा रनी करना है, लेकिन अभी हमें ये थिक ही चाहिए। तो ये थिक बैटर बना दिया है और इसके बाद इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। तो थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, इसके बाद धनिया पाउडर ऐड किया 1 चम्मच भर के, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जाएगी अजवाइन 1 चम्मच के करीब, और फिर हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच चाट मसाला। और कोई मसाला फिर डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, और डालेंगे थोड़ा सा हींग। बेसन जो है वो इस तरह से अगर आप लें तो वो डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत करता है, तो अजवाइन और हींग हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में। बट ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना ऐड करें, लेकिन अगर डाल लेंगे तो बेटर होगा, टेस्ट भी एनहेंस होता है। तो हींग मैंने डाल दिया है। तो ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स करके सारे स्पाइसेस इस बेसन में, और इसको हम कवर करके रख देंगे एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि बेसन जो है वो अच्छे से फूल जाए और हमें अंदाजा हो जाए कि हमें बाद में कितना पानी इसके अंदर ऐड करना है। लेकिन शुरू में जो है वो हमें इसी तरह से इसको थिक रखना है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है वेजिटेबल्स की, तो इसको मैं अभी कवर कर दूंगी। वेजिटेबल दिखा दूं आपको, ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं जुकीनी ऐड कर रही हूँ, कैरेट ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्ची है, और साथ में है प्याज। आप हरा धनिया भी डालने वाली हूँ, मैं वो भी निकालूंगी। तो हरा धनिया, इसके अलावा आप पालक डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, प्याज को फाइनली चॉप कर लेना है, और बाकी जो सब्जियां उनको आपको ग्रेट करना है बिल्कुल बारीक साइड की तरफ से, ज्यादा मोटी तरफ से नहीं करना है, बारीक तरफ से करना है। मैं आपको दिखा भी दूंगी बाकी जो भी सब्जी आप ऐड करना चाहें। और बेसन के वेजिटेबल वाले हम बहुत अच्छे से चीले बना रहे हैं, जो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए मैं उसको कवर कर देती हूँ, हमारा जो बैटर है, और साथ ही इन वेजिटेबल्स को मैं तैयार कर लेती हूँ ग्रेट करके। प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च जो है ना, वो इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक इसके अंदर कर ली है। आप चाहे तो हाथ से भी काट सकते हैं, बट ना मैनुअल चॉपर अच्छे से काम कर देता है। और ये जो कद्दूकस होता है ग्रेटर, इसमें 2-4-5 तरह के डिजाइन होते हैं। ये चिप्स काटने के लिए होता है, और ये मोटा मोटा, अगर आप आलू के पराठे बना रहे हैं तो उसको इससे कश कर लो तो जल्दी हो जाता है। ये बिल्कुल मिंस करने के लिए होता है, कभी आपको अदरक लहसुन जो है ना वो मिंस करना हो तो वो इससे हो जाता है। और ये बिल्कुल बारीक वाली साइड, जिसमें आपको बिल्कुल फाइनली ग्रेटेड चीजें चाहिए होती है, लाइक कभी मिठाई के ऊपर आप नारियल डालते हो ना, जो सूखा नारियल गोला बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो इससे ग्रेट कर लो। तो जो सब्जियां है ना, कैरेट और जुकीनी, वो मैं इधर की तरफ से ग्रेट करने वाली हूँ, ताकि बिल्कुल फाइनली ग्रेट हो। तो चलो ये करके, और फिर सारी चीजें जो है हमें बैटर के अंदर मिला देनी है, दैट्स इट। और उसके बाद फिर हम पैनकेक्स, चीले, पूड़ा, जो भी आप बोलते हैं, वो बनाना शुरू करते हैं।
तो बैटर यहाँ पे ना हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, तो ऐसी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है। अभी आपको थोड़ा सा ये ना थिक दिखाई दे रहा होगा, हालांकि मैंने इसमें आधा कप पानी और ऐड किया है। थोड़ा सा ना मैनुअल चॉपर में प्याज और हरा धनिया वो लगा रह गया था, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रिंस करके वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। बट अभी ये थोड़ा सा थिक है, लेकिन 2-4 मिनट बाद ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी हमने सब्जियां डाली है ना वो नमक के साथ रिएक्ट करके अपना पानी रिलीज करेंगी, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बैटर हो गया है रेडी अच्छे। इसके साथ आप हरी चटनी ले सकते हैं, टमाटो केचप ले सकते हैं, या जो भी चटनी आप बनाएं, नारियल की चटनी भी अच्छी लगती है। मैं रायता बना रही हूँ इसके साथ, क्योंकि मोस्टली ये ना ब्रेकफास्ट के टाइम पे बनता है, लेकिन हम लोग लंच में ले रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा बहुत ही लाइट होता है। तो मैं बना रही हूँ थोड़ा सा रायता, और सिंपल लाइक किसी चीज का नहीं बना रही हूँ, सिर्फ दही डालूंगी और उसमें रायता मसाला और नमक वमक बस यही चीज डाल के, और सिंपल प्लेन काइंड ऑफ जो दही होती है ना कि बस हल्का सा स्पाइसेस डाल लो, ऐसा नहीं कि खीरे का बना रही हूँ या टमाटर वमाटर का, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ दही के अंदर थोड़ा सा रायता मसाला डाल के, और रायता मसाला कैसे बनता है ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना। तो मैं फटाफट बनाती हूँ रायता और चीले बनाने शुरू करती हूँ, क्योंकि अद्वी की क्लास हो गई है खत्म, दूसरी क्लास से पहले मुझे उसको लंच देना है। चलो शुरू करते हैं बनाना। चीले मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं और ये चिपकते भी नहीं है। और ना मैं ये रेपसीड ऑयल जो होता है ना इसको स्प्रे कर रही हूँ, 2-3 पंप डाल रही हूँ। तो नॉर्मल भी ऑयल आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि स्प्रे वाला ही चाहिए आपको। और पकने का एक तरफ से ये पता लगता है कि जब से आप बैटर डालते हैं ना तवे के ऊपर, तो जब वो एक तरफ से सिक जाता है ना, तो दूसरी तरफ आपको वो बबल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और वो स्टिफ सा सरफेस दिखाई देता है, तो तब आप इसको पलटें। अगर उससे पहले पलटेंगे तो फिर वो पलटते हुए टूट जाएगा। तो टाइम लगता है इसको बनने में, क्योंकि मीडियम हीट पे आपको बनाना होता है। तो एक साथ 2 तवे रख लें अगर 2 लोग साथ बैठ के खा रहे हैं, एक खा रहा है तो फिर तो चल जाता है काम, लेकिन अगर 2 लोग हों तो फिर 2 तवे रखें ताकि फटाफट बन जाए। तो ये भी है, और रायता उधर रेडी कर दिया मैंने, साहब उसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर रहे हैं। दिखा तो दो अपने आपको, देखो तो भाई कितने अच्छे हो रहे हैं आज। आओ तो सही, आपकी तो डिमांड ही है मेरी वीडियो में, लोग मेरे लिए थोड़ी ना देखते हैं वीडियो। कितने अच्छे हो रहे हैं, मैं खड़ा भी करता नहीं, देसी स्टाइल देखो मेरे साहब का, ये देखो खेस ओढ़ के बर्फ पड़ रही है, क्या करेंगे। किसे किसे पता है कि खेस क्या होता है? पहले टाइम में जो कपास होती थी, रुई होती थी, तो उसे सूत काटा जाता था। चरखा देखा होगा, चरखा हमने तकली खूब चलाई है, प्रैक्टिकल भी होता था ना तकली का, फिफ्थ में या सिक्स्थ में। तो तकली तो लाइक छोटे स्केल की चीज है, बट चरखे पे सूत काटा जाता था, उसका खेस बनाया जाता था। ये बताओ जो चरखे पे जो बनती है वो, ले भाई आ जाओ, हाँ। वो जाऊं थोड़ा सा नीचे, वो चरखे पे जो बनती है क्या वो तो बोलते हैं इसको, चींचली किसे किसे पता है, चींचली। और चींचली से जो उतारते थे धागा उसको क्या बोलते थे, जो लपेटते थे जिसके ऊपर, जिसके ऊपर लपेटते थे, तकवा ना, और नहीं चींचली के बाद तो वो चरखे बनती थी। अच्छा, चीचली से उतार के कहीं पर लपेटते थे, वो कुछ ऐसा होता, वो लकड़ी का ऐसा बना होता था ना, मतलब क्या नाम है, यू शेप का कुछ होता था, है टी शेप का, टी हाँ, उस पर ऐसे ऐसे करके ना क्रॉस करके, यू बताओ क्या नाम था उसका, उसका नहीं मुझे पता, उसका क्या है, टेरन। मेरी जो माजी थी ना, दादी जो थी मेरी, वो बहुत चरखा काटती थी, और जब वो काटती थी ना मैं बैठ के बस ऐसे देखती थी, जब वो रुई में से ऐसे धागा निकलता था ना, ओ माय गॉड इट लुक्स
सो ब्यूटीफुल, और मैं वो देखती थी और 10 बारी जो है वो तकवा जो होता था ना जिसके ऊपर, वो बहुत शार्प होता है उसकी, उसका जो नोक होती है बहुत ज्यादा है, मेरे पैर में चोट लगी रहती थी उसे। क्यों? जैसे ही चरखा चलता था मैं वहीं बैठती थी, कभी इधर डोल रही हूँ कभी उधर डोल रही हूँ, तो वो पैर में लगता ही लगता था। और माँ जी मेरी फिर लगवा लिया तकवा, फिर लगवा ली चोट। तो किस किस ने देखा है चरखा और काता है उसके ऊपर? मैंने किया है, मैंने काता है। दिल यार है, आजकल के बच्चे कहाँ जानेंगे वो सारी चीज। बहुत हार्ड वर्क था, हार्ड वर्क था और पेशेंस चाहिए था। सूत जब बन जाता था फिर उस सूत की रंगाई होती थी। मेरी मम्मी ना दरियां बुनती हैं, लाइक नॉट प्रोफेशनली, घर के लिए, दीदी के दहेज में, मेरे दहेज में, अपने घर के लिए मम्मी ने बहुत दरियां बनाई हैं, बहुत ज्यादा, दिखाऊंगी। तो उस माजी सूत काटती थी मम्मी, उस सूत को रंगती थी और फिर बहुत बड़ा सा एक फ्रेम होता था उसमें दरी बुनी जाती थी। चरखी क्या होती है? चरखी, चरखी कौन सी? जो छोटी तकली तो पता मुझे, चरखी का नहीं पता। जिससे कपास से वो अलग करते थे, बिनोले। अच्छा, मतलब हम सिर्फ रुई लेके आते थे, उससे पहले का प्रोसेस नहीं पता क्योंकि हमें खेत वाला नहीं पता क्योंकि हम शहर में, तो हमें तो वही मिलता था। ये हो गया, लो ये प्लेट में रख दो। कितनी सारी बात कर ली हमने, 4 मिनट की क्लिप बना दी हमने वाली चरखे की बात कर करके, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खेत से शुरू हुई। चलो मैं बना लू फटाफट, इनको भी दे दू फिर। कैसे बन रहा? मस्त, हम तो लग रहा है खाने पे अभी। हाँ तो खाते रहो, मैं बना रही, मैंने खूब सारा बैटर बनाया, चिंता ना करो, टेंशन मत ले। अच्छा लग रहा ना मिठी चटनी के साथ? बहुत मस्त। तो रायता है और मिठी चटनी है, आम की जो मिठी चटनी होती है ना, अच्छा लग रहा है ना खट्टा मीठा टेस्ट, बिल्कुल मस्त। पहले मैंने सोचा हरे धनिया की चटनी बनाऊं, बैठा भी सोफे के ऊपर हूं। हाँ तो आप आराम से लम ले, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। अभी को भी पूछ के आऊं मैं, और लेगी क्या वो? हो गया ऑलमोस्ट, टाइम लगे यार सीखने में, चरखा काटने से तो कमी है ना। उसमें तो मजा आएगा, कितने घंटे का काम था? डेली माजी करा कर रही थी, 4 से 5 घंटे डेली। और हम वही, मैं तो अपनी कॉपी किताब लेके वही बैठ जाया करती, वही होमवर्क करना और वो चरखा देखना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक वाला काम था उसका। केस बनाने और नहीं, खेस तो नहीं, हमने खेस तो हम बुनवाया कर रहे थे, लेकिन हाँ दरी, दरी और दुताई, दुताई हाँ, दुताई गद्दे के नीचे बिछाने वाली दुताई होती है। यस, दुताई, गद्दा, चद्दर, फिर खेस, तकिया, पांच चीज का बिस्तर होता है ना, गद्दा नहीं होता था, और बिछौना, हाँ बिछौना, हाँ बिछौना बोल दो, पर पांच चीज का जो बिस्तर होता था, दुताई, बिछौना, चद्दर, ऊपर ओढ़ने का कुछ भी, खेस, खेस और तकिया, यही पांच चीज का एक बिस्तर। और शादियों में ऐसे ऐसे कितने बिस्तर दिए जाए करते, अब भी नहीं जाते होंगे यहाँ पे, कैपेसिटी है। नहीं कुछ तो काउंटिंग कुछ तो है ना, कि हाँ इतने तो मिनिमम दिए जाए कि घर के इतने लोग, हाँ 11-12 तक भी जाना हमारी शादी। अब वो सारी चीज मार्केट से आती है, वो सब मार्केट से, पहले वो सारी चीज घर तैयार हो। क्या देख खड़े होकर देखो, मेरे से सबर नहीं हो रहा, रजाई में कूदना धागे डलने और डांट खाना, तोड़ दी, तोड़ दी, अभी तो भर के आई है, आज ही तोड़ दी है सारी। हम तो डरा गए थे पापा के पास, बैंत थी वो एनसीसी वाली, और बस वो बैंत लगी नहीं कभी हमारे, वो सिर्फ दिखा के ही ना बस बैठ जाओ। हमारा एक काम था, मतलब कूदो या ना कूदो डांट जरूर पड़नी, आराम से भी लेट रहे हो उसके ऊपर और डांट जरूर पड़नी, मतलब जो मेरी दादी थी तो उसका पैडल होता, तोड़ दी। और चाहिए ना केचप, केचप चाहिए,
ये लो। चलो हेलो अगेन। तो अभी जो है वो शाम का टाइम हो रहा है और चाय बनने लग रही है, अराउंड 5:30 हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया। साहब जो है वो अभी तक काम कर ही रहे थे, तो बस अभी मैंने चाय चढ़ाई है और ये वाली नमकीन मैं ओपन कर रही हूँ, सेव मुरमुरा पीनट्स, ये इस वाली अच्छी लगती है। इसके ना भेलपूरी भी बड़ी मस्त लगती है। और अदी ने उधर जो है वो पूरा कोहराम मचाया हुआ है, आप लोगों ने देख लिया, एंचेंटेड फॉरेस्ट बना हुआ है और जितने भी गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली उसके पास हैं वो सारे के सारे उस फॉरेस्ट में हैं और उनकी कुछ पार्टी शार्टी होने वाली है। तो ऐसे खेल जो हैं वो उस लड़की के चलते रहते हैं। अभी हो रहे हैं अराउंड 6:30, चाय हो गई थी हमारी, बस अब मैं उठूंगी किचन की तरफ चलूंगी और फिर डिनर की तैयारी करेंगे, देन दिया बाती का टाइम हो जाएगा और फिर डिनर, फिर बर्तन, फिर नाइट टाइम क्लीनिंग। बस सुबह से शाम कैसे हो जाती है इसी काम में पता ही नहीं चलता। अभी बस मैं 5-10 मिनट के लिए बैठी थी यहाँ पे, कुछ कमेंट्स जो थे उनके रिप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे ही चलते जाते ना, जैसे ही टाइम मिलता है 5-10 मिनट का तो मैं बैठ के कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ। चलिए, यही थी आज की ढेर सारी बातों वाली लंबी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिसने चरखा खाता है वो ज़रूर बताना, आज तो ऐसे ही बात निकल गई बस उसकी, बट मैं वो सारी क्लिप्स ऐड करूँगी। भले ही मुझे ये था कि कुछ ऐड करूँ कुछ ना करूँ, लेकिन मैं सारी ऐड करूँगी जितनी भी हमने बातें आज करी हैं। चलिए, बाय बाय।